नमस्कार मित्रों, हमारे भारत में एक बहुत बड़ा विज्ञान रहा है जिसको योग विज्ञान कहा जाता है। इसमें तरह तरह की थेरेपीज बीमारियां ठीक करने के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, मानसिक शांति के लिए, समृद्धि के लिए, धन के लिए, हर तरह से ये बहुत ज़्यादा सफल होती हैं। तो इसमें खासकर आज जो बताने जा रहा हूँ वो हैं योग मुद्राएँ। योग मुद्राएँ तत्क्षण उसी टाइम पे प्रभावकारी होती हैं। जितनी खुद की आयु हो, कोई 20 वर्ष का है तो उसको 20 मिनट कर सकता है, 40 मिनट का है तो 40 मिनट कर सकता है। जितनी आपकी आयु है, आयु के बराबर इन मुद्राओं का आप अभ्यास कर सकते हैं। शरीर में समाधिष्ठान चक्र को बैलेंस करने के लिए, जिससे भावनात्मक रूप से बैलेंस हो जाता है व्यक्ति। मन अशांत हो, टेंशन में हो, डर में हो, घबराहट में हो, अनिद्रा हो, इस तरह की कुछ भी कैसी भी समस्या है, क्विक बैलेंस करनी है। टेंशन हो, सर दर्द हो रहा है टेंशन के कारण, या बीपी हाई हो गया है, शरीर में जल तत्व ऊपर नीचे हो गया, जल तत्व को बैलेंस करने के लिए। और इससे भावनात्मक रूप से क्विक बैलेंसिंग मिलती है, व्यक्ति एक गहरी शांति को तुरंत फील करने लगता है। कम से कम इसे करने, वैसे 15 मिनट करना चाहिए, लेकिन कम टाइम हो, कभी 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, तो उतनी देर भी करेंगे जरूर लाभ मिलेगा। तो एक मुद्रा है कनिष्ठा मुद्रा, सबसे छोटी उंगली, इसको आपस में चिपका के आप इस तरह से रख लें, कम से कम 15 मिनट अभ्यास करें। मुद्राएं कोई लंबा टाइम नहीं लेती, क्विक आपको उसी टाइम पे रिजल्ट दे देती हैं। छोटी उंगली आपस में जोड़ देनी है, बाकी की आप इस तरह से सीधी रखें। कनिष्ठा मुद्रा 15 मिनट में बॉडी में हलचल, वाइब्रेशन, बॉडी का मुड़ना, अलग अलग जितने लोग होंगे सबको अलग अलग अनुभव इसके होंगे। अगली मुद्रा है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा ये क्या क्या काम करेगी, शरीर में खून कम हो जाए, खून गाढ़ा हो जाए, जो घुटनों के, टांगों के दर्द होते हैं, ज्वाइंट पेन होते हैं उनके लिए, या कमर में किसी तरह की समस्या हो जाए, पेट की समस्या हो, जिनको पैरालिसिस हुआ हो उनके लिए, पेट की किसी भी तरह की अपचन या और किसी प्रकार की समस्या, क्विक उससे राहत मिलती है। कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगते, लेकिन मुद्राओं को लगातार करेंगे तो जीवन को इतनी गहराई से बदल देती हैं जिसकी हद कुछ नहीं है। तो ये वरुण मुद्रा को आप कैसे करेंगे, करने का समय सबका वैसा ही होता है कि या तो आप अपनी आयु के बराबर करें, जितनी आपकी आयु है, कोई 30 साल का है तो 30 मिनट तक कर सकता है, वैसे 15 मिनट इसके लिए काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन पुरानी समस्या हो, और इसको करने से मन गहराई से शांत होगा, बॉडी गहराई से वाइब्रेट करने लगती है जैसे ही आप इस मुद्रा को करते हैं, तो ये शरीर में पृथ्वी तत्व को बैलेंस करती है, जो मूलाधार चक्र है उसको बहुत गहराई से बैलेंस कर देती है। ज़्यादा मोटापा है, ज़्यादा कोई पतलापन है, उसको बैलेंस करेगी। सबसे छोटी उंगली, इसको अंगूठे के साथ इस तरह से लगाना है, इस तरह से लगाएंगे, क्विक आप उसी टाइम पे इसका असर थोड़ी 10-15 मिनट में महसूस करने लग जाते हैं। मन शांत हो जाता है, बॉडी हिलती डुलती वो स्थिर हो जाएगी, इतने फायदे होंगे। जब करेंगे, एक बार करना शुरू कर देंगे, फिर आप इन मुद्राओं को छोड़ नहीं पाते, इतनी प्रभावशाली होती हैं। एक बहुत शक्तिशाली मुद्रा दे रहा हूं जिससे बंद नस नाड़ियां खुल जाती हैं, जिनका बीपी लो रहता है उसको ऊपर करके बैलेंस कर देता है, शरीर में गर्मी ऊर्जा पैदा करता है। सर्दियों में ठंड, जुकाम इत्यादि या सर्दी से होने वाली कोई भी समस्या, बीमारी हो, उसमें क्विक रिलीफ के लिए इसका 15 मिनट अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छा फायदा होगा। लेफ्ट हैंड को नाभि के ऊपर, राइट हैंड इस तरह से रखना है। तो ये बनती है लिंग मुद्रा। इसे 15 मिनट रोज अभ्यास करें, 15 मिनट में ही बॉडी में तेज वाइब्रेशन होने लगती है, या कम, कुछ लोगों को कम भी फील होती है, लेकिन रिजल्ट क्लियर आएगा। तो ये सुपर महामुद्रा है। दूसरा, कुंडलनी को भी जागृत करती है, शरीर में तेजी से गर्मी बढ़ाती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए एक मुद्रा जिसको कहते हैं पुस्तक मुद्रा, उसका नाम ही पुस्तक मुद्रा है। पढ़ा हुआ बच्चों को याद नहीं होता, या एकाग्रता उसके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर नहीं हो पाती, पढ़ाई में विघ्न आते हैं, उसके लिए हमारे हाथ में 5 तत्व हैं। पांचों तत्वों को इकट्ठा करना, इसको कहते हैं पुस्तक मुद्रा। मुठियां बंद करके रोज इसको आराम से इस तरह से जांघों के ऊपर रख ले, 10 से 15 मिनट करे, या जितनी बच्चे की आयु हो, 15 साल का है तो 15 मिनट, उतनी देर कर ले तो पढ़ा हुआ एकदम याद होने लगेगा, पढ़ाई में
एकदम तीव्रता आ जाएगी और पड़ा हुआ पूरी तरह से याद भी। हम बात करेंगे सूर्य मुद्रा की। सूर्य मुद्रा किस किस चीज में लाभप्रद होगी? कोलेस्ट्रॉल या किसी भी प्रकार से लीवर में कोई समस्या आ गई हो, मोटापा ज्यादा आ गया हो, शरीर ज्यादा फूल गया है, मोटापा आ गया है, तो उसके लिए सूर्य मुद्रा। इसके अलावा शरीर में चुस्ती फुर्ती ऊर्जा तीव्रता से बढ़ाने के लिए रोज 15 मिनट जिस उंगली में अंगूठी पहनते हैं इसको अंगूठे की जड़ में लगाना है, चीची के साथ की, रोज 15 मिनट इस अभ्यास को आप करें, रोज 15 मिनट करें और पद्मासन में आराम से सीधा बैठ जाएं। क्लियर, आप 15 मिनट में अपने आप में चेंज महसूस करते हैं, शरीर में चुस्ती फुर्ती ऊर्जा कई गुना तेज हो जाती है। ये चीची के साथ की जिसमें अंगूठी पहनी जाती है, इसको अंगूठे की जड़ में लगाना है। धन्यवाद। किडनी से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या या खून से जुड़ी हुई समस्या, खून में गाढ़ापन, खून का ऊपर नीचे हो जाना या गंदगी भर जाना खून में, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि, या शरीर में कहीं सोजिश आई हो, ऐसे में क्योंकि ये स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ी हुई मुद्रा है, इसे कहते हैं जलोद्धर मुद्रा। कैसे करेंगे? सबसे छोटी उंगली और अंगूठे को इस तरह से मिला के रोज 15 मिनट चुपचाप बैठ जाएं। शरीर से जुड़ी हुई, जो रक्त से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, वो अपने आप आपको 15 मिनट में एहसास होगा कि बहुत कुछ ठीक हो गया। इसके अलावा भावनात्मक रूप से आप स्थिर और शांत हो जाते हैं। इस तरह से उंगलियां करके सबसे छोटी और अंगूठे को जोड़ के रोज 15 मिनट बैठ के इसका अभ्यास करें, एक ही दिन में आपको फर्क महसूस होता है। जो लोग भावनात्मक रूप से संतुलित नहीं होते या जिनको शुगर का या खून से जुड़ी समस्या, किडनी से जुड़ी समस्या या रक्त में कहीं से भी कोई समस्या है, उनके लिए एक मुद्रा जलोद्धर मुद्रा। कैसे करनी है? अंगूठे को पहली सबसे छोटी चीची उंगली में इस तरह से लगा के इसे आराम से आप बैठ जाएं, हाथ इस तरह से रख लें, कम से कम 10 से 15 मिनट रोज करें, खून से जुड़ी और किडनी से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाती है। तो अगली है व्यान मुद्रा। ये किस लिए? हृदय चक्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, शरीर में जो वायु तत्व है उसको बैलेंस कर देती है, हृदय की बीमारियों से राहत देती है, जिनको बीपी हाई रहता है उसको बैलेंस कर देती है। कभी किसी का बीपी हाई हो गया हो तो ये मुद्रा लगा दें, थोड़ा बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है फिर तो जरूर दवाई ले पहले, तो साथ में मुद्रा लगवा दें तो आप पाएंगे 15-20 मिनट में बीपी नॉर्मल होना शुरू हो गया। हृदय में किसी प्रकार का दर्द रहता है, हृदय की ब्लॉकेज है, छाती की, हार्ट चक्र की ब्लॉकेज है, हृदय में किसी प्रकार का और संबंधित इससे बीमारी है, उसमें बहुत गहराई से लाभ देगी। तो कैसे करनी है? 5 उंगलियां हैं, पांचों उंगलियां 5 तत्वों से जुड़ी हुई हैं। पहली 2 उंगलियों को इस तरह से अंगूठे के साथ लगा देना है। इस तरह से लगाएंगे तो आंखें बंद करके बैठना है और जब भी कोई मुद्रा करनी है तो पीठ सीधी रखें, तभी इसका गहराई से पूरा लाभ होगा। आप ऐसे मुड़ के बैठे हैं जैसे 4-6 महीने से सोए नहीं, ऐसे बैठे हैं ऐसे, तो मुद्राओं का जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी में जैसे मुद्रा लगाते हैं एक करंट फ्लो करता है, और कहीं से आप मुड़ के बैठे हैं ऐसे आड़े तिरछे बैठे हैं तो बॉडी में जो करंट है वो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाता। तो पीठ सीधी रख के करें, कभी भी खाना खाने के पहले करेंगे तो ज़्यादा लाभ, खाने के बाद करेंगे तो लाभ जरा कम हो जाता है, क्योंकि वो ऊर्जा उत्पन्न होती है, पहले भोजन को पचाएगी फिर आगे का काम करती है।